दोस्तों, अगर अमेरिका चाहे तो एक महीने के अंदर ही चीन को घुटनों पर ला सकता है। चीन का भी वही हाल कर सकता है जो अमेरिका ने ईरान और उत्तर कोरिया का किया है। अभी तक अमेरिका ने भले ही चीन के ऊपर कई सारे एक्शन क्यों ना लिए हों, लेकिन फिर भी चीन और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंध अभी भी कायम है और प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के अगले कदम को लेकर जो खबर आई है, अगर सच में अमेरिका ने दोस्तों ऐसा कर दिया तो सच मानिए चीन अपने घुटनों पर आ जाएगा और बहुत ही जल्द चीन की अर्थव्यवस्था इतनी गिर जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और यकीन मानिए कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था एक सिमट कर रह जाएगी और एक ही झटके में दोस्तों चीन दुनिया के हर बाजार से बाहर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अमेरिका चीन को दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, अमेरिका बहुत जल्द चीन को अपने डॉलर सिस्टम से बाहर कर सकता है। अगर ऐसा अमेरिका ने किया तो दोस्तों चीन दुनिया में डॉलर से व्यापार नहीं कर पाएगा और चीन की मुद्रा इतनी ताकतवर नहीं है कि वह अपनी मुद्रा से दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पाए। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, स्विफ्ट और डॉलर। और अमेरिका इसका सही से प्रयोग करता है तो चीन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और चीन की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्विफ्ट आखिर है क्या और दोस्तों ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको विदेश में पैसा भेजना है या फिर कोई मेजर ट्रांजेक्शन करनी है, किसी के साथ व्यापार करना है, या फिर आपका अपना दोस्त ही क्यों ना अमेरिका में या जर्मनी में या किसी भी देश में बैठा है, उसको आपने पैसे भेजने हैं, तो आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो स्विफ्ट के थ्रू करेंगे। तो दोस्तों, वो पैसा सबसे पहले अमेरिका के स्विफ्ट को जाता है और उसके बाद उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों कुछ मेनली बैंक होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन है, कुछ ऐसे बैंक है जो इसका मेजर काम करते हैं। दोस्तों, चीन भी इस स्विफ्ट सिस्टम के अंदर आता है। इसे स्विफ्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा मजबूत क्या बनाती है, वो है डॉलर। दुनिया का जो 80% व्यापार होता है वो डॉलर के थ्रू होता है, स्विफ्ट के थ्रू होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप सोचिए कि एक्सिस चीन के लिए अगर स्विफ्ट का बंद कर दिया जाता है तो चीन की हालत उत्तर कोरिया और ईरान की जैसी हो जाएगी। दोस्तों, ईरान की जो हालत है वो बिना स्विफ्ट के ऐसी हो चुकी है कि ईरान ना तो विदेशों से पैसा मंगा सकता है और ना ही अपने नागरिकों को भी पैसा नहीं भेज सकता विदेशों में, और ये सबसे बड़ा संकट है दोस्तों। और किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन वो विदेशों में डॉलर के थ्रू, स्विफ्ट के थ्रू नहीं कर सकता। इससे उसके हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक डॉलर की कीमत करीब 40,000 रियाल के बराबर है। और अगर अमेरिका स्विफ्ट के सिस्टम का स्विच बंद कर देता है चीन के लिए, तो चीनी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, पूरी तरह बर्बाद हो सकता है चीन। और दोस्तों, चीन इस झटके से बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगा। और दोस्तों, अमेरिका में इसको लेकर बातचीत स्टार्ट हो गई है और बहुत ही जल्द स्विफ्ट को चीन के लिए बंद किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के पास ना तो डॉलर का कोई विकल्प है और ना ही स्विफ्ट का कोई विकल्प है। दोस्तों, डॉलर का विकल्प चीन के पास इसलिए नहीं है क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा अभी एक हफ्ते पहले चीन का जो टोटल गोल्ड रिजर्व है उसका करीब 4 से 5% फेक बताया गया था, जो चीन अपने आप में दिखाता है कि वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, लेकिन दोस्तों वहां पर 4 से 5 उसका फेक है। और वहीं दोस्तों, वो करेंसी को भी व्यापार के लिए डीवैल्यू और रीवैल्यू करता रहता है, जिससे दूसरे लोगों का बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं है। और इसीलिए दोस्तों चीन की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के सामने कभी टिक ही नहीं पाएगी। और ये दोस्तों एक मेजर फैक्टर है जो डॉलर और चीनी मुद्रा के बीच में है, और इसीलिए अमेरिका इस मास्टर कार्ड को चल सकता है। और इस पर बहुत जोरों से बातचीत अमेरिका के अंदर शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, अमेरिका ने स्विफ्ट को बंद करने के लिए हर व्यू पॉइंट पर सोचना समझना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि चीन को हटाने के लिए अगर स्विफ्ट करता है अमेरिका तो वहां पर कई देशों पर इसका असर पड़ेगा, और वो कितना असर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन इकोनॉमी में हर देश की आएगा, लेकिन कितना आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, वैसे भी आज कोरोना की वजह से हर देश की इकोनॉमी गिरी हुई है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को अभी अगर अमेरिका करता है तो फिर
इतना दिक्कत वर्ल्ड में नहीं होने वाली है। लेकिन अमेरिका इसी सिस्टम को चीन को बाहर करना है तो फिर बाद में करता है, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी असर पड़ेगा। और दोस्तों ये सबसे बेहतर वक्त है जब अमेरिका चीन को स्विफ्ट सिस्टम से, डॉलर सिस्टम से बाहर कर सकता है। वैसे दोस्तों आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप अपना व्यू पॉइंट हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।